हेलो जी, राम राम जी सारा ने। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बिल्कुल स्वस्थ और खुश होंगे। तो भैया, आप सभी का स्वागत है अंजू यादव ब्लॉग्स में। तो आज भाई सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने सुबह से ही कर दी। सुबह के 8:30 हो रहे हैं, तो मैं नहा ली हूँ। सबसे पहले मैंने सब्जी चढ़ाई, उसके बाद झाड़ू पोछा किया, फिर मैं नहा के आई। अब जोत बत्ती कर दी मैंने और कबूतरों को दाने डाल के आ गई, उनका पानी भर के आ गई। अब चाय रख रखी है बनने के लिए, चाय पियेंगे हम। ये देखो चाय भी बन गई है बिल्कुल, इसको छान लेती हूँ अब मैं। इधर दूध वाला भी आ गया था, दूध गर्म करके रख दिया है। और सब्जी भी बन गई है, जो रात को कट की थी सब्जी वो बनाई है मैंने। तो गाइस, दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह का सारा काम निपटा लिया था मैंने, खाना वाना बना लिया था, हमने तो खाना भी खा लिया था। मालिक ने वो सब्जी नहीं खाई, इसने बस लस्सी लस्सी पी थी। तो अब ये बोल रहा है मम्मा मेरे लिए राइस बना दो, तो इसके लिए चावल छोक देती हूँ मैं, क्योंकि इसको वो सब्जी अच्छी नहीं लगती जो मैंने बनाई थी पोले की। तो इसने रोटी नहीं खाई उस चक्कर में, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए अपने सूट में, उसमें गर्मी लग रही थी क्योंकि वो गाढ़ा है बहुत ज़्यादा। तो मैं पहले मान के लिए राइस बना देती हूँ। और इधर ये बर्तन भी नहीं धुले हैं मेरे, सब्जी वगैरह के पड़े हैं, तो इनको भी धोऊंगी, राइस बनाऊंगी वो भी, सारे एक बार ही साफ कर लूंगी। तो इधर कर दिए मैंने राइस बनाने की तैयारी। तो दो बड़ी बड़ी प्याज काट के इसमें भूनने के लिए डाल दी कुकर में तेल डाल के, तो ये बस भूनी गई। ये देखो अब इसमें डाल देती हूँ एक चावल, तो एक छोटा सा आलू काटा है मैंने इसमें, और चावल है तो ये भिगो रखे हैं इसमें। तो प्याज ही भून गई है, तो इनको भी धो के डाल ही देती हूँ मैं, नहीं तो ज़्यादा काली हो जाएगी फिर। तो इधर चावल में सीटी आती है, तब तक मैं इधर ये बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से, फिर इनको दे दूंगी, डाल के दे दूंगी, फिर बन जाएंगे। तो गाइस, बना दिए मैंने चावल। इधर मानिक का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, ये ट्यूशन जाएगा फिर। ये देखो खा रहा है मानिक, कैसे बने खा ले जल्दी से, 5 मिनट है। ये इधर मैं अपने लिए आई हूँ, रितिका के रखे हैं, खा लेते हैं हम पहले चावल अपने। तो अब मैं फिर आ गई रसोई में, ये आ गए, इनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय में अदरक और पत्ती डाल दी है, उबल जाती है, तो मोटर चला के आ जाती हूँ मैं, पानी नहीं है टंकी में, देखती हूँ सप्लाई का आ रहा होगा तो वो चलाऊंगी, नहीं तो फिर समरसिबल ही चलाऊंगी। बाहर तो बहुत ही गर्म हवा चल रही है, अंदर तो पता भी नहीं चलता। सप्लाई का तो नहीं आ रहा पानी, देखो ये थोड़ा सा ही आया था। तो मानिक भी आ गया ट्यूशन से, अकेला आ गया बेटा, कुंडी लगा दी गेट की, जल्दी आ गया, कोई कहीं नहीं गया। इधर चला दी मैंने मोटर, पानी नहीं था टंकी में। तो गाइस, परेस कर लिए मैंने इधर इन सूट पे जो कल उधेड़े थे, ये देखो इसकी ये बाजू उधेड़ी थी, तो इस बाजू पे भी कर लिए परेस मैंने, और इस वाली पैंट पे भी कर लिए। इसकी ऊपर से बेल्ट उधेड़ दिए मैंने, दोबारा से लगाऊंगी क्योंकि ये थोड़ी ऊंची हो रही थी इसलिए। और एक सूट वो उधर रखा है, एक ये वाला सूट है, इसकी भी बाजू की अस्तर दिखाती हूँ आप लोगों को कितना बड़ा हो रहा है। मेरे को लग रहा है ये सूट ही सुकड़ गया इसलिए ये अस्तर फिर बड़ा हो गया। ये देखो ये देख, इतना इतना फर्क आ रहा है इस अस्तर में, तो अभी इसको फालतू को काट के जब दोबारा से जोड़ूंगी। सिलाई तो अब लगेगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, शाम का टाइम हो गया, खाना वाना देखूंगी शाम का, बर्तन वगैरह करूँगी, दूध वगैरह गर्म करना है। तो मैं चलती हूँ रसोई में, सिलाई का काम तो कल ही करूँ। तो गाइज, मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में, वहाँ चल के दिखाऊंगी, थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। कंघी कर लिए मैंने बालों में, सूट पे परहेज कर लिए, पहन लिया है, चलती हूँ मैं। मानिक तो चला गया पहले ही, मैं और रितिका जा रहे हैं, तो दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ पहुँच के।
तो गाइज यहाँ पे हम पहुँच गए थे बर्थडे पार्टी में। मानिक तो पहले का ही गया हुआ था, मानिक ने तो वहाँ पे खूब इन्जॉय किया। मानिक खेल रहा था वहाँ पे, यहीं हमारे पड़ोस में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गाने चल रहे थे तो फिर कॉपीराइट आ जाता, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बाद में। तो फिर हमने वहाँ पे केक वगैरह खाया, कटवाया और थोड़ा बहुत नाश्ता किया। करने के बाद फिर हम आ गए थे अपने घर पे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे भी। और बर्थडे बॉय ने तो केक ही नहीं खाया, मैं इसको केक खिला रही थी तो इसने नहीं खाया केक। फिर मैंने इसके फेस पे ही लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। मेरे को नहीं पता था कि ये केक लगाने से इतना ज़्यादा रोएगा। फिर हम घर पे आ गए थे। तो गाइज आ गए हैं हम बर्थडे पार्टी में से। रसोई के दो चार बर्तन है वो कर लेती हूँ और कपड़े चेंज करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ। और मानिक को बैठा दिया इधर काम करने के लिए क्योंकि इसका होमवर्क बच रहा है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। ये करने लग रहा है अपना हॉलीडे होमवर्क। हो गया बेटा, कितना रह रहा है? कर जल्दी से कर, मैं इतने दूध जमा के आ जाती हूँ। तो भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए, 9:30 हो गए, मैं जमा देती हूँ दूध। दूध अभी गर्म है, ये देखो जग में डाल रखा है, अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो इधर गैस भी साफ कर दिए मैंने, बर्तन वगैरह भी कर दिए हैं, मटका भी भर के रख दिया है, सारे काम निमट के बस एक दूध का काम और रह रहा है। इस ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसको और जमा दूंगी बस, फिर मेरा काम कंप्लीट। फिर हाथ पैर धो के अपने कपड़े चेंज करती हूँ। तो गाइस श्याम का सारा काम निपटा लिया है मैंने, अब बस कपड़े चेंज करने हैं, हाथ मुँह धोना है और बस सोना है। तो गाइज वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरे को, क्योंकि अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, लेकिन फिर भी कहीं कमी लगती हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि भाई अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ, लेकिन थोड़ी बहुत कमी लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो मेरे को। और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का सबका जब आपके क्वेश्चन वगैरह का भी जवाब दूंगी। तो गाइज इस वीडियो का करते हैं हम यहीं पे एंड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।